संभवत पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको मैं स्वयं अपना परिवार अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा यही रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करता है। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबूजी ने स्कैद मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएं दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल का विकास रहे हो, चाहे गांव के छोटे स्तर का भी विकास रहे। तो विकास में तो अब तो कोई भी बड़ी मांग हमारे क्षेत्र में बची ही नहीं है। तो यहाँ एक तरफ विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जितनी भी निजी तौर पर मदद हो सकती थी, उनके निजी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो उनको भी उनकी पीठ पीड़ा को हरने का भी काम किया। तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जब मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा की, तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं इतनी सेवा करता हूँ और मन में ये आया कि क्यों ना एक बार खुद का भी आकलन किया जाए। हर बार जनता मुझे स्नेह करती है, परिजन मेरे को प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने परिवार का बेटा स्वरूप मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार अब चुनाव के मौके पे, चुनाव आने के पहले मैं अपने परिजनों से आदेश लूँ कि क्या वो फिर से मुझे अपना अगली बार प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि अब इतने मैंने भाव के साथ यहाँ पे क्षेत्र में लोगों की सेवा की है, तो 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक। क्योंकि चुनाव जीतने के तो 40-42-43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ, 48-49% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ। पिछली बार 50% के लगभग वोट पाया था। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं देखूँ कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई और लगभग जितने गांव उतनी मतपेटियां, उससे ज़्यादा मतपेटियां तैयार की, जितने पोलिंग बूथ उतनी मतपेटियां तैयार हो गई हैं। अभी आप लोग मतपेटियों की फ़ोटो भी लीजिएगा। मतपेटियों को बकायदा जिस प्रकार से प्रशासनिक तरीके से सील किया जाता है, वो सील करेंगे, चपड़ा लगाएंगे, उसमें लोगों के दस्तखत होंगे, अंगूठा होंगे, सब होंगे, और इस सारी प्रक्रिया लाइव वीडियो में चलेगी, फेसबुक या अन्य माध्यम से या चैनलों के माध्यम से लाइव चलेगी, और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। हर गांव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी, कोई छूट न जाए किसानी के चक्कर में, कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी। प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा, सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको, और इस प्रकार से 3-4 दिन तक मतदान चलेगा, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए। उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी, और गिनती के उपरांत अगर 50% मतों में 50% से एक वोट भी कम मिला, तो ईश्वर की सौगंध खाता हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके ऊपर अगर जनता मेरे को आदेश करती कि हाँ जाइए अब चुनाव लड़िए, 50% से ऊपर पब्लिक के लोग, जनता के लोग, मेरे विजरागढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार के लोग, अगर मुझे परिजन जो क्षेत्र के सभी लोग हैं, अगर वो मुझे निर्देशित करेंगे, 50% से ऊपर लोग अगर निर्देशित करेंगे, तब मैं अपनी पार्टी के समक्ष जाऊंगा कि मेरा, मैं चुनाव के लिए आपके समक्ष आया हूं। फिर उसके बाद पार्टी का निर्णय, पार्टी फिर जिसको चाहे उसको अपना प्रत्याशी बनाए, वो तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए शिरोधार होगा, पार्टी जिसके लिए आदेश करेगी मैं उसके लिए कार्य करूँगा। लेकिन ये मूल्यांकन जो हो रहा है ये मैं अपना स्वयं का निजी मूल्यांकन कर रहा हूँ, और स्वयं को अग्नि परीक्षा में डाल रहा हूँ कि इतनी सेवा के बाद भी क्या मैं 50% से ऊपर लोगों का दिल जीत पाया या नहीं जीत पाया। इसलिए मैंने इस प्रयोग को, संभवतः भारत में पहला प्रयोग पूरी प्रक्रिया के लिए।